Hey guys, assalamualaikum, sasrikal. I hope आप सभी बहुत अच्छे हो गए. हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूं रानिया. मैं हूं रोहन. और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है कैसे सिर्फ एक छोटे मुस्लिम देश की वजह से दुनिया में हंगामा मचा है. तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया. आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. कैसे देखते हैं ऐसा कौन सा देश है मुस्लिम देश जो छोटा होने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहा है. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. वीडियो को लास्ट तक के देखना. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक बहुत ही छोटा मुस्लिम देश मालदीव्स. इतना ज्यादा छोटा कि कभी दुनिया के नक्शे में भी नजर नहीं आता है. अगर किसी को देखना होता है तो इसको या तो जूम करना पड़ता है या फिर खास तौर से नाम से सर्च करना पड़ता है. मगर दोस्तों इतना ज्यादा छोटा होने के बावजूद भी इस मुस्लिम देश ने पिछले कुछ वक्त से लगातार पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा रखी है. इस छोटे से देश की वजह से ही हमारी दुनिया के लगभग सारे ही ताकतवर देशों के अंदर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है. और अब हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है कि आखिर मालदीव की वजह से दुनिया में आगे क्या होगा. इस देश की वजह से पूरी दुनिया में पैदा होने वाली ये हलचल कितनी ज्यादा तेज है इस चीज का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले एक से डेढ़ महीने के अंदर के जब दुनिया भर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसराइल फिलिस्तीन की ही खबर चल रही थी और इस खबर की वजह से बाकी सारी ही बड़ी बड़ी खबरें भी इग्नोर हो जा रही थीं, तब भी मालदीव देश दुनिया भर की मीडिया में साफ तौर पर नजर आ रहा था. मगर अब सवाल यही है कि आखिर मालदीव से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है. तो चलिए आज की इस वीडियो में ये तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इतना ज्यादा छोटा होने के बावजूद भी मालदीव को दुनिया भर में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है. मालदीव का पूरा इतिहास क्या है और यहाँ पर इस्लाम धर्म कब और कैसे आया था. तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या इस तरह के दूसरे देशों की तरह मालदीव्स कोई जमीन का एक सा टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो बीच गहरे समुद्र के अंदर जो अलग अलग छोटे छोटे टापू हैं जो लगभग 1200 के करीब बनते हैं उनसे मिलकर एक देश बनता है. और उन 1200 में से भी सिर्फ और सिर्फ 200 ही ऐसे टापू हैं कि जो इंसानों के रहने लायक बताए जाते हैं. लगभग 300 किलोमीटर के करीब का एरिया रखने वाले इस देश की 5 लाख से ज्यादा की आबादी है, जिसमें से 98% लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हैं. इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम देश है, जबकि बाकी बचे हुए 2% में हिंदू बौद्ध और ईसाई जैसे धर्म आते हैं. देश की राजधानी का नाम है माले और जो पूरे देश की आबादी है उसमें से आधी आबादी तो सिर्फ और सिर्फ इसी शहर में बसती है. पूरी दुनिया में ये देश खास तौर से टूरिज्म की वजह से काफी मशहूर है और हमारे देश भारत के भी जो बॉलीवुड स्टार हैं वो अक्सर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर जाते रहते हैं और अपने फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. बात करें अगर इतिहास की तो बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि मालदीव के इलाके में इस्लाम धर्म काफी शुरुआती दौर में ही आ चुका था. उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब 14वीं सदी में इतिहास का एक मशहूर ट्रेवलर मतलब कि इब्ने बतूता इस इलाके में आया था तो उसने इस इलाके के लगभग सारे ही लोगों को मुसलमान पाया था. ऐसा माना जाता है कि आसपास के दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके में भी इस्लाम धर्म व्यापारियों के जरिए से आया था. 12वीं सदी के दौर में मालदीव्स के एक राजा थे कि जिनका नाम था धुवेमी. वो बौद्ध धर्म को फॉलो किया करते थे मगर बाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था और अपना नाम बदलकर भी अल आदिल रख लिया था. उनके इस्लाम अपनाने के बाद मालदीव्स का इतिहास बदलता चला गया और बाकी लोगों ने भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया था. दोस्तों 15वीं-16वीं सदी आते आते यूरोप की सारी ताकतों ने अपने इलाकों से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे इलाकों में जाकर कब्जा करके उनको अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया था. मालदीव्स के इलाके में जो यूरोपियन लोग सबसे पहले पहुंचे वो थे पुर्तगाली. पुर्तगालियों ने यहां पर कब्जा किया और 1568 से लेकर 1583 तक राज भी किया, मगर फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे वो उनको हराकर वापस भेजने में कामयाब हो गए. मगर फिर अगली ही सदी यानी कि 17वीं सदी में ही यहाँ पर एक बार फिर से डच लोगों का राज हो गया. लेकिन डच लोग भी ज्यादा लंबे वक्त तक राज ना कर सके और फिर श्रीलंका के साथ साथ मालदीव के भी पूरे इलाके में उस दौर की सुपर पावर मतलब के ब्रिटिश एम्पायर का
कब्जा हो गया। ब्रिटेन ने मालदीव्स पर भी राज किया, मगर जब आसपास के दूसरे सारे इलाके और सारे देश आजाद होना शुरू हुए तो मालदीव्स भी 1965 आते आते आजाद हो चुका था। शुरुआती दौर में यहाँ पर प्रधानमंत्री वगैरह हुआ तो करते थे, मगर एक सुल्तान का पद हुआ करता था और सारी ताकत सुल्तान के ही पास हुआ करती थी, यानी प्रधानमंत्री वगैरह सिर्फ नाम के हुआ करते थे। लेकिन फिर 1968 में लोगों की वोटिंग करवाई गई, जिसमें लोगों ने इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए वोट किया। नतीजा ये हुआ कि सुल्तान के पद को खत्म करके अब राष्ट्रपति की पोजीशन को लाया गया और देश के पहले राष्ट्रपति बने इब्राहिम नासिर। इब्राहिम नासिर इस पद पर लगातार 10 साल तक रहे और फिर 1978 में जब वो रिटायर हुए तो उनकी जगह ली मामून अब्दुल कयूम ने। और अब्दुल कयूम मालदीव्स की इस सबसे ताकतवर पोजीशन पर कुछ महीने या फिर कुछ साल नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 30 साल रहे। और अब्दुल कयूम के दौर में ही मालदीव्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मालदीव्स के इतिहास को या फिर ये कहिए कि मालदीव की पूरी किस्मत को बदल कर रख दिया। दोस्तों ये बात है 3 नवंबर सन 1988 के दिन की, कि जब दिल्ली में मौजूद भारत के विदेश मंत्री के ऑफिस में मौजूद जो फोन है वो बिल्कुल सुबह सुबह बजना शुरू हुआ। जब ये फोन रिसीव किया गया तो दूसरी तरफ से एक गड़गड़ाती हुई आवाज आई, जिसमें कहा गया कि वी आर अंडर अटैक, प्लीज सेव अस, जिसका मतलब था कि हम पर अटैक हो चुका है, हमें बचाइए। दरअसल ये भारत से की गई एक ऐसी गुजारिश थी कि जो लगभग 3000 किलोमीटर दूर, मतलब के मालदीव्स की राजधानी माले से की जा रही थी। ये दरअसल श्रीलंका से आए हुए बहुत सारे उग्रवादियों की तरफ से किया गया एक ऐसा खतरनाक हमला था कि जिसके तहत वहाँ पर हुकूमत का तख्ता पलट करने की तैयारी हो चुकी थी। सबसे पहले तो अब्दुल कयूम को खत्म करना था और उसके बाद एक नई हुकूमत बनाना थी। ये दरअसल सब कुछ मालदीव्स के ही एक बड़े बिजनेसमैन के इशारों पर किया जा रहा था, कि जो लंबे वक्त से इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि किसी तरह से अब्दुल कयूम को खत्म करके हुकूमत का तख्ता पलट करके मैं खुद मालदीव्स की गद्दी पर बैठ जाऊं। ऐसे माहौल में कि जब श्रीलंका से आए हुए उग्रवादी बड़ी तेजी के साथ माले के ज्यादातर इलाके पर कब्जा करते जा रहे थे और अब्दुल कयूम के जिनको बड़ी शिद्दत के साथ ढूंढा जा रहा था ताकि कत्ल कर दिया जाए, तो अब्दुल कयूम ने छुपते छुपाते किसी तरह से बाहर की दुनिया को फोन मिलाना शुरू किया। सबसे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मांगी, मगर दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका और यूके से भी मदद मांगी गई और वो दोनों मदद करने के लिए तैयार भी थे, मगर वो दूर इतना थे कि जब तक वो मालदीव तक पहुंचते तब तक सब कुछ हो चुका होता। इसीलिए उन दोनों की तरफ से ही ये मशवरा दिया गया कि इंडिया से पूछो। इंडिया की तरफ जब फोन मिलाया गया तो इंडिया ने फौरन हाँ कर दिया। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कोलकाता के अंदर थे, उनको फौरन दिल्ली आने के लिए बोला गया। फौरन दिल्ली पहुंचे, 9 बजे के वक्त मीटिंग भी शुरू हो गई, मगर उनके पहुंचने से पहले ही इंडियन आर्मी अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। दिन के करीब 3 बजे भारत के लगभग 400 सैनिक माली के लिए उड़ान भर चुके थे। जाहिर है उनके पास काफी कम इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, मगर उसके बावजूद भी वो लोग न सिर्फ माली में उतरने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपना मिशन भी चलाया। सबसे पहले तो उन्होंने मालदीव्स के राष्ट्रपति मतलब के अब्दुल कयूम को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, उनकी जान बचाई और उसके बाद विद्रोहियों से निपटना शुरू किया। अगली सुबह होते होते ज्यादातर विद्रोही मारे जा चुके थे और जो मालदीव्स के अंदर ही मौजूद मास्टरमाइंड था, मतलब जिसके इशारों पर ये सब कुछ हो रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और साथ ही साथ अब्दुल कयूम अपनी पोजीशन पर वापस आ चुके थे और अपने देश के लोगों को स्पीच दे रहे थे। दोस्तों उसी दिन ही भारत की संसद में भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मालदीव्स हमारा सबसे करीबी और दोस्ताना पड़ोसी है, उसने हमसे मदद की अपील की थी और हमें गर्व है कि भारत की फौज उनको बचाने में कामयाब रही। दोस्तों 1988 में होने वाले इस हादसे के बाद ही इंडिया और मालदीव अब पहले से और भी ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए और दोनों के बीच अब इतनी ज्यादा पक्की दोस्ती हो गई थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जहां एक तरफ इंडिया हमेशा मालदीव का ख्याल रखता, हर मामले में उसकी मदद करता, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव भी इंडिया का कभी एहसान नहीं भूला और हर मामले में इंडिया को ही प्रायोरिटी देने की कोशिश करता। और ये सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से सन 2008 तक यूं ही चलता रहा। मगर जब सन 2008 में अब्दुल कयूम की मालदीव की राजनीति से विदाई हुई तो मानो सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ ये कि सन 2008 के बाद से मालदीव के अंदर बिल्कुल आजाद तरीके से, यानी सही तरीके से इलेक्शन वगैरह होना शुरू हुए, जिसकी वजह से अब अलग अलग वक्तों में मालदीव की बागडोर अलग अलग लोगों के हाथों में जाने लगी।
अब जब अलग अलग लोगों ने मालदीव्स को संभालना शुरू किया तो इसकी वजह से मालदीव्स के सिर्फ अंदरूनी हालात ही नहीं बदले बल्कि बाहर की जो राजनीतिक पॉलिसीज थी वो भी बड़ी तेजी के साथ बदलना शुरू हो गई। दोस्तों सबसे पहले तो सन 2008 में नशीद की हुकूमत आई तब भी सब कुछ ठीक ठाक चला मगर फिर सन 2012 और 13 का दौर आते आते नशीद की रुखसती हुई और अब्दुल्ला यामीन नाम के एक इंसान ने मालदीव की बागडोर संभाली। ये मालदीव का एक ऐसा नेता था कि जिसने आते ही मालदीव के पुराने दोस्त इंडिया से जहां एक तरफ अपना हाथ पीछे खींचना शुरू किया तो वहीं चाइना की बातें सुनना शुरू कर दी। चाइना ने भी अचानक से न जाने क्यों मालदीव में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वो चाइना की जिसकी सन 2012 तक माले में एम्बेसी तक नहीं हुआ करती थी अब उस चाइना ने न सिर्फ एम्बेसी खोली बल्कि बड़ी तेजी के साथ मालदीव के ऊपर पैसा बहाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करना शुरू किए और कर्जा दिया वो भी इतना ज्यादा कर्जा कि एक दौर में तो मालदीव के ऊपर जो पूरा कर्जा था मतलब पूरी दुनिया का उसमें से 70% सिर्फ और सिर्फ चाइना का कर्जा था। जैसे जैसे मालदीव के अंदर ये सब कुछ हो रहा था वैसे वैसे भारत की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। बढ़ने वाली बात भी थी क्योंकि न सिर्फ एक बहुत ही पक्के और पुराने दोस्त से दोस्ती खत्म हो रही थी बल्कि वो तो अब उसके पाले में जा रहा था कि जिसको इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और हद तो तब हो गई कि जब सन 2016 में सिर्फ $50 लाख के बदले में मालदीव ने अपना एक द्वीप चीन की एक कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। मगर दोस्तों फिर सन 2019 में एक बार फिर से मालदीव के अंदर इलेक्शन हुए जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से बदल गई, नशीद की वापसी हुई यानी नशीद की जीत हुई और उन्हीं के जरिए से फिर इब्राहिम सोले यहां के राष्ट्रपति बने। इब्राहिम सोले ने जब शपथ ली तो उनकी शपथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल हुए। भारत की मालदीव के अंदर वापसी हो चुकी थी, भारत ने भी अब चाइना की इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए बड़ी तेजी के साथ यहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इवन मालदीव की चाइना का कर्ज चुकाने में भी काफी मदद की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जिसमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ भी था। इंडिया ने मालदीव की डिफेंस में भी मदद की और मालदीव को हेलीकॉप्टर या इस तरह की कुछ दूसरी चीजें गिफ्ट में दी। मगर दोस्तों फिर अचानक से सन 2019 में मालदीव के अंदर से ही सोशल मीडिया के जरिए से कुछ लोगों की तरफ से भारत के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गईं। अचानक से इंडिया आउट या फिर इंडियन आर्मी आउट जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगे और इन सारे ट्रेंड्स को जाहिर है चाइना की वजह से मालदीव के विपक्ष का पूरा सपोर्ट हासिल था। सोशल मीडिया से शुरू होने वाले ये ट्रेंड्स धीरे धीरे अब इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि अब नेताओं की रैलियों में भी सुनाई देने लगे। और हद तो तब हो गई कि जब सन 2023 में मालदीव के अंदर जो इलेक्शन होने वाले थे उन इलेक्शन का मेन मुद्दा ही यही बन गया। मतलब जो वहाँ के नेता हैं कि जिनका नाम मोहम्मद मोइज़ू है उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन वगैरह में हर जगह पर अपनी जनता से वादा ही यही किया था कि अगर वो जीतते हैं तो वो इंडिया को पूरी तरह से आउट कर देंगे, इंडिया की आर्मी को पूरी तरीके से अपने देश से बाहर निकाल देंगे। जहां एक तरफ मोहम्मद मोइज़ू इंडिया के बारे में ऐसी राय रखते हैं और ऐसी बातें करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनको प्रो चाइना भी माना जाता है। मतलब चाइना के इन्वेस्टमेंट की और चाइना की पॉलिसीज की ये तारीफें करते हुए नहीं थकते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन से पहले ही इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी और इंडिया की तरफ से इस खतरे को महसूस भी किया जा रहा था कि अगर मोहम्मद मोइज़ू जीतेंगे तो आखिर मालदीव का फ्यूचर क्या होगा। और देखिए अब मोहम्मद मोइज़ू जीत भी चुके हैं, न सिर्फ जीत चुके हैं बल्कि जीतने के बाद उन्होंने उसी तरह के बयान देना भी शुरू कर दिए हैं कि जैसा वो इलेक्शन से पहले दिया करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोगों से वादा किया है तो वादा जरूर निभाऊंगा और इंडिया को बाहर कर दूंगा। दोस्तों ये सारी चीजें इंडिया के लिए तो परेशान करने वाली हैं ही मगर साथ ही साथ ये वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब कि अमेरिका और यूरोप के लिए भी खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि मालदीव से इंडिया के बाहर होने का मतलब सिर्फ बाहर होना ही नहीं है बल्कि साफ तौर पर मतलब है चाइना का अंदर होना। चाइना मालदीव के ऊपर बड़ी मजबूत पकड़ बनाएगा और हो सकता है कि मालदीव का हाल भी चाइना के कर्ज की वजह से वैसा हो कि जैसा कि पाकिस्तान या फिर श्रीलंका जैसे देशों का पहले ही हो चुका है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये तो परेशान करने वाली बात है ही कि अब चाइना एक ऐसे देश पर काबिज हो जाएगा कि जहां से बहुत सारे ट्रेड रूट गुजरते हैं। मगर उससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये है कि इसको अमेरिका की एक डिप्लोमेटिक हार के तौर पर भी देखा जा सकता है।
वो इसलिए क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए एक लंबे वक्त से साउथ ईस्ट एशिया के एरिया में सारे देशों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लंबे वक्त से ही अमेरिका और चाइना के बीच इस बात को लेकर दुश्मनी चलती रहती है कि कौन इस इलाके के कौन से देश को अपने पाले में कर ले। जाहिर है मालदीव्स की जो लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में तो वैसे भी सारी लड़ाइयाँ समुद्र में ही लड़ी जाती हैं। क्योंकि जाहिर है अगर कभी भी अमेरिका चाइना को इस इलाके में काउंटर करेगा तो उसको अपने उन सारे मिलिट्री बेसिस की ही जरूरत पड़ेगी कि जो उसने इस इलाके में बनाए हैं या फिर इन इलाकों में बनाना चाहता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो था, और मेरे को पता ही था मालदीव्स में मतलब इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर 98% मुसलमान रहते हैं। मैं पहले सोचता था वहाँ पे मतलब ईसाई कंट्री है, वो ईसाइयों का वहाँ पे राज है और उनकी आबादी ज़्यादा है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन आज पता चला कि यार मालदीव भी इस्लामिक कंट्री है, और मालदीव को तो हमेशा इंडिया के साथ रहना चाहिए अगर उसे अच्छा ग्रोथ करना है और सही रहना है। तो चाइना सिर्फ और सिर्फ कर्ज दे के उसको अपने तरफ करने का सोचेगा, जो कि इस वीडियो में बताया है। तो वहाँ के जो भी राष्ट्रपति है, जो भी पीएम है, उन्हें सही से मतलब सही ढंग से इंडिया के साथ संबंध निभाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं ना कि दो पार्टी है तो उनकी एक अलग अलग राय, एक चाइना के साथ रहना चाहता है तो एक इंडिया के साथ रहना चाहता है। लेकिन वहाँ के लोगों को, जनता को ही चीज़ें सोचनी चाहिए, अपने देश का फ्यूचर देखना चाहिए और उस नेता को सपोर्ट करना चाहिए जो कि उनके फ्यूचर में उनके देश में सही काम कर सके, सही कदम उठा सके। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एक मतलब एक पॉलिटिशियन पार्टी को ही हम सपोर्ट करें, अपने देश का फ्यूचर देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी देश के लोग हो, चाहे हमारा इंडिया ही क्यों ना हो। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे देश के भी लोग हैं वो ऐसे लोगों को मतलब सपोर्ट करें कि जो हमारे देश का फ्यूचर अच्छा कर सके, ना कि ऐसे लोग कि सिर्फ वो मतलब एक दूसरे को लड़वाते हैं और गलत चीजें प्रमोट करते हैं। सो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।